गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स क्लास। एंड किड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न टेबल ऑफ टू बाय मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले मैम आपको टेबल ऑफ टू बाय एडिशन करा चुकी हैं, ओके? और आज हम करेंगे टेबल ऑफ टू बाय मल्टीप्लिकेशन, ओके? और अब मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इसका साइन क्या है, ये भी मैम आपको सब बताएंगी, ओके? तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? किड्स, रिपीटेड एडिशन ऑफ द सेम नंबर इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। आई रिपीट, रिपीटेड एडिशन ऑफ द सेम नंबर इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन, ओके? सेम नंबर को बार बार रिपीटेडली ऐड करते जाना ही मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। जैसे 2 + 2 = 4, देन 4 + 2 = 6, 6 + 2 = 8, 8 + 2 = 10। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिपीटेडली हमें जो नंबर मिल रहा है, जो रिजल्ट मिल रहा है, उसमें हम 2 ऐड करते जा रहे हैं। सेम यही हमने अपनी टेबल में अभी तक किया था जब हम टेबल ऑफ टू बाय एडिशन कर रहे थे, और अब हम करेंगे बाय मल्टीप्लिकेशन। सो किड्स, यू कैन सी द साइन फॉर मल्टीप्लिकेशन इज दिस। ये जो क्रॉस वाला साइन आप देख रहे हो, दिस इज द साइन फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ओके? यस। एंड मल्टीप्लिकेशन इज क्विकर देन रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन जो है बच्चों, वो रिपीटेड एडिशन से क्विकर है, यानी कि जल्दी होता है, ओके? इसलिए हम रिपीटेड एडिशन की बजाय मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हैं, ओके? और नाउ वी विल डू मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ टू, ओके? सो आर यू ऑल रेडी किड्स? लेट अस स्टार्ट। सी, 0 इज 0। अगर 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है, देन वी विल गेट द आंसर 0, ओके? तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो क्या होगा, 0 होगा, ओके? किसी भी नंबर को, ये इसकी प्रॉपर्टी है किड्स, अगर हम किसी भी नंबर को, वो चाहे 0 है, 1, 2, 3, 100, 1000, कोई भी नंबर है, अगर हम उसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट द आंसर 0, ओके? तो हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, 0, ओके? अब इसमें हम देख सकते हैं कि 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, उसके बाद हमें आंसर क्या मिला, 2। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन। 1 = 2, 1 = 2, या फिर इसे हम इस तरह से रीड कर सकते हैं, दैट 1 × 2 = 2, 1 × 2 किसके बराबर है, 2 के। दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो आंसर आएगा वो इटसेल्फ, जो नंबर है वही होगा, ओके? जिस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, आंसर जो है सेम होगा, ओके? सो 2 × 1 = 2। अगर यहाँ पे 2 के प्लेस पे 3 होगा, देन 3 × 1 = 3, ओके? नाउ सी द नेक्स्ट वन। सी, 2 × 2 = 4। सो किड्स, हियर 2 इज बीइंग रिपीटेडली एडेड 2 टाइम्स। यहाँ पर 2 को जो है रिपीटेडली 2 टाइम्स एड किया जा रहा है, ओके? दस 2 × 2 = 4, ओके? इट इज रीड एज 2 × 2 = 4, और 2 × 2 = 4। इस तरह से हम इसे रीड कर सकते हैं, ओके? बाकियों में भी हम सेम मेथड यूज करेंगे, सिर्फ जो नंबर है वो कितनी टाइम आ रहा है, ये हमारा चेंज हो जाएगा, ओके? नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन। 3 × 2 = 6। हियर 2 इज बीइंग रिपीटेडली एडेड 3 टाइम्स, ओके? सो इट इज रीड एज 3 टाइम्स
2 equals 6 or 2 multiplied by 3 is equal to 6. Okay, kids. Now see the next one. 4 twos are 8. Here 2 is being repeatedly added 4 times. Or jab hum repeatedly 2 ko 4 times add karte hain, then we will get number 8. Okay. So 4 multiply by 2 is equal to 8. Or 2 multiplied by 4 is equal to 10. दोनों का आंसर सेम होगा, या हम 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करें या फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करें, बट वी विल गेट द आंसर नंबर 8. ओके, यस. नेक्स्ट, 5 टूज आर 10. इट मीन्स हियर 2 इज बीइंग रिपीटेडली एडेड 5 टाइम्स. यहाँ पर 2 को 5 टाइम्स ऐड किया जा रहा है. दस 2 multiply by 5 is 10. It is read as 5 times 2 equals 10. Or 2 multiplied by 5 is equal to 10. Okay, kids. Yes. 6 twos are 12. Here 2 is being repeatedly added 6 times. Okay, और जब 2 को 6 times repeatedly add किया जाता है, then we get answer 12. Okay, 6 times 2 equals 12. Okay, बेटा, और 2 multiplied by 6 is equal to 12. Now see the next one. 7 twos are 14. Here 2 is being repeatedly added 7 times. Okay. So it is read as 7 times 2 equals 14. Or 2 multiplied by 7 is equal to 14. Now see the next one. 8 twos are 16. Kids, here 2 is being repeatedly added 8 times. Okay. Thus, 2 multiplied by 8 equals 16. It is read as 8 times 2 equals 16. Or 2 multiplied by 8 is equal to 16. Now see the next one. 9 twos are 18. Kids, here 2 is being repeatedly added 9 times. And we get the answer 18. Thus, 2 multiplied by 9 equal to 18. It is read as 9 times 2 equals 18. Or 2 multiplied by 9 is equal to 18. Now see the next one. 10 twos are 20. Kids, here 2 is being repeatedly added 10 times. And then we get the answer 20. Okay. Yes, kids. Now let us do multiplication table of 2. Okay. Listen properly and you have to repeat after me. 2 zeros are 0. 2 ones are 2. 2 twos are 4. 2 threes are 6. 2 fours are 8. 2 fives are 10. 2 six are 12. 2 sevens are 14. 2 eights are 16. 2 nines are 18. 2 tens are 20. Okay. Now you have to learn table of 2 and write it in your fair notebook. Thank you, goodbye, and have a nice day, kids.